मैं कांगड़ा पहुंच गया हूँ, कांगड़ा बस स्टैंड से। हाँ जी, दरवाजा पिताजी ने बनवाया था ये। कीजिएगा और सब्सक्राइब से बहुत ही वापस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑन द वे अमन। सामान सारा रेडी हो चुका है, बस अपने राइडिंग गेयर्स पहनूंगा और बाइक ऑन करूंगा और घर के लिए निकल जाऊंगा। तो फाइनली गाइज अब मैं यहां से जा रहा हूं ड्रीमवुड से, अतुल जी से मिलकर और उनकी फैमिली से मिलकर। बहुत अच्छा लगा, मतलब कि घर जैसा, बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर आ रखा हूँ। बहुत ही अच्छा जो माहौल था यहाँ का, और कभी किसी ने आना हो धर्मशाला और धर्मशाला की प्लेसेस पे विज़िट करना हो तो उससे पहले जो है आप यहाँ ज़रूर आइएगा। बल्कि यहाँ हर चीज़ फैसिलिटी है, फार्म हाउस बना हुआ है बहुत बड़े एरिया में, और रूम्स अवेलेबल है, कॉटेज अवेलेबल है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, आप खुद भी कुक कर सकते हैं। और अगर इनकेस नहीं कुकिंग करते आप तो आप अतुल जी को बोल लो तो अतुल जी ब्रेकफास्ट डिनर सब प्रोवाइड करवा देते हैं और आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट जगह पूरे धर्मशाला में आपको मिलेगी, और 5-6 घंटे में आप पूरा एरिया घूम फिर के आप आ सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अतुल जी के साथ, थैंक यू अतुल जी। तो अतुल जी के घर से देखिए कितना प्यारा व्यू है धर्मशाला के पहाड़ों का। तो गाइस अभी मैं कांगड़ा पहुंच गया हूँ, कांगड़ा बस स्टैंड से थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो कांगड़े की पहाड़ियाँ आपको दिखा देता हूँ इस व्लॉग में। गाइस सामने देखिए कांगड़ा का फोर्ट है, वो फोर्ट है किला, ये किसका मतलब कैसे बना हुआ, क्या विशेषता है? महाभारत के टाइम का है। अच्छा, महाभारत के टाइम का, राजा सुशेंद्र शर्मा था ना। अच्छा अच्छा, इसकी नेम रखी है। अच्छा 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 अच्छा, उसके बाद लास्ट जो राजा रणजीत सिंह था ना पंजाब का, उसने राज किया इसके। ओके ओके, तो गाइस ये कांगड़ा किला के लिए रास्ता जाता है यहाँ से। वो जो किला आप देख रहे हैं सामने, ये कि मेरे बाइक पे काफी सारा सामान है और ये जो किला है देखने का तो बहुत मन है। वैसे तो मैं पहले भी देख चुका हूँ लेकिन बाइक पे सामान बहुत ज़्यादा है तो बाइक को ऐसे छोड़कर जा नहीं सकता अकेला में, क्या किया जाए। तो गाइस मैंने, मेरे को अपनी बाइक यहाँ लगानी पड़ी है, ये भैया हैं, इनसे बात हो गई है क्योंकि मुझे ऊपर किला देखने जाना है और सामान मेरे पास काफ़ी है, तो यहीं पार करके जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं कांगड़ा फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और एक खुशी की बात ये है कि मेरे इसमें पैसे बच गए, क्योंकि पर सिंगल पर्सन की जो टिकट है यहाँ 25 रुपीज़ है और आज वुमेंस डे है तो यहाँ फ्री कर रखा है, तो अच्छी बात है, कहीं तो सेविंग हुई छोटी सी। और ये सामने कांगड़ा फोर्ट है तो इसको देखते हैं आज हम। एक्चुअली रास्ते में पड़ रहा था घर जाते हुए तो मैंने कहा ये भी होना चाहिए। तो ये मेन एंट्रेंस है किले के अंदर जाने की, कांगड़ा फोर्ट की। तो गाइस अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वो है जहांगीर दरवाज़ा, ये जो आप देख रहे हैं सर उठा के। तो गाइस ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है और 5000 साल पुराना बना हुआ है, और एक राजपूत फैमिली थी तो उन्होंने ये बना रखा है। तो गाइज ये महल जो है शुशाराम चंद्रा जी ने बनवाया था, ये महाराजा थे किसी टाइम इस किले के। तो अभी मैं दर्शनी दरवाजे पे पहुंचा हूँ, गंगा यमुना, और यहाँ का ये गेट बना हुआ है एंट्रेंस के लिए। तो जब आप वहाँ से आएंगे तो अंदर से किला कुछ ऐसा नज़र आता है जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में नहीं है।
फोन बच पड़ा है किसी का। तो गाइस ये कुछ पिलर्स के अवशेष हैं जो यहाँ रखे गए हैं, और किसी टाइम पे यहाँ पिलर्स होते होंगे। ये सामने आरती हो रही है शायद मंदिर के अंदर। तो अभी मैं श्री आदिनाथ जैन टेंपल और अंबिका देवी मंदिर में हूँ। टेम्पल है, साइड से कुछ ऐसा नजर आता है। और ये सारा ब्लैक स्टोन है, जितना भी किले में काम किया गया है ब्लैक स्टोन से किया गया है। और सामने धर्मशाला की पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आती हैं, बर्फ से ढकी हुई, बहुत प्यारा व्यू। ऊपर से कुछ ऐसा नज़र आता है, बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है ये किला। और ये दो पिलर बेचारे तब के बने हुए, अभी तक खड़े हुए हैं 5000 साल पहले की। अभी मैं और ऊपर जा रहा हूँ। और ये जो किले का जो टाइमिंग है वो सनराइज पे ही ओपन होता है, और सनराइज और सनसेट पे ही ये बंद होता है। जो यहाँ के स्टाफ है उनसे ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली है। एक्चुअली मैंने राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं, मतलब ये ट्राउज़र पहन रखा है, जिसकी वजह से चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो अभी मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ। ये इधर एक ग्राउंड सा है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ होता होगा, शायद कोई पार्टी शार्टी के लिए होता होगा। व्यू देखिएगा इस यहाँ से, एक वो सामने माता का टेंपल है बहुत फेमस। तो मैं अभी यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, अभी ये स्टेयर्स वैसे यहाँ से आती है, लेकिन ऊपर वैसे रास्ता जा रहा है। कुछ भानगढ़ किले की तरह ही लग रहा है ये भी। तो वहाँ से चलकर अभी मैं आया हूँ, और मेरे सामने ये है, सॉरी, शायद नहाने नहुने के लिए पानी स्टोर ना होता हो यहाँ। तो गाइज अभी मैं वहाँ से आया हूँ, वो एक सामने पुल नज़र आ रहा है, और मुझे अभी वापस चंडीगढ़ के लिए वो रोड पकड़नी है। और नीचे एक नदी है, और ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। और इस किले के ऊपर जो है 52 टाइम्स जो है अटैक हुआ था, जो कि नीचे मेंशन है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। और सामने का व्यू देखिए गाइज कितनी हाइट पे है। इस चील को उड़ते हुए आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं इस वक्त कितनी हाइट पर हूँ। और ये काफ़ी हाइट पे उड़ते हैं गाइस, बहुत ही ऊंचा है ये किला, और यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है किसी को इस किले को जीत पाना। तो गाइस ये घोड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी राजा आने वाले हैं, पीछे राजा किसी बड़े घोड़े या हाथी पे आ रहे हो। तो गाइस ये जब किला बना होगा तो काफ़ी खूबसूरत रहा होगा, और अभी जो है बिल्कुल खंडर है खंडर, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, विज़िट करना चाहिए एक बार यहाँ। अभी भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए यहाँ। गाइज ये देख लो, ये दरवाज़ा भी 5000 साल पुराना है, अभी तक चल रहा है ये।
क्या बात है, मेन एंट्री है किले की। अब इस किले से जाने का टाइम हो गया है और मैं आपको चंडीगढ़ ही मिलूँगा सीधा। बाय बाय। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।